बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपको एक लेटर दिख रहा है। तो इस लेटर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में। आपके लिए एक अच्छी खबर है, जो उम्मीदवार अभी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर ड्यूटीज़ कर रहे हैं और जो अभी नई भर्तियाँ होने जा रही है, आपके लिए भी एक अच्छी खबर है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट वालों के लिए। सिंध पुलिस जो है, सिंध पुलिस की तरफ से एक अच्छा कदम आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप पर लिखा हुआ है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को जो है ये लेटर आया है सीपीओ की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है ये सीपीओ की तरफ से, यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस की तरफ से, ये जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है लिखा गया है। 15 अक्टूबर को ये जो है लेटर आया था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो उम्मीदवार अभी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि सीपैक पर जो है, सीपैक एरिया पर जो है ड्यूटीज़ जो है सरंजाम दे रहे हैं, तो वो उम्मीदवार जो अपने नौजवान हैं एसपीओ कमांडो के, तो वो बहुत सारे परेशान हैं। और सिंध पुलिस की तरफ से एक अच्छा जो है कदम उन्होंने उठाया है, जो भी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीओ के अंदर अभी ड्यूटीज़ कर रहे हैं नौजवान, उनके अलाउंसेस को जो है बढ़ाया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उनके अलाउंसेस को बढ़ाया जा रहा है जो एसपीओ कमांडो के अंदर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, उन सब के अलाउंस को जो है, जितने भी उनके अलाउंस बनते हैं उनके अलाउंस जो है बढ़ाए जा रहे हैं, उनके जो है अलाउंस को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए एक अच्छी खबर है एसपी कमांडो के अंदर, ताकि ये इसलिए अलाउंस जो है आपके बढ़ा रहे हैं, जो एसपी कमांडो के अंदर जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं ये उनके इसलिए बढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान जो है एसपी कमांडो के अंदर जो सीपैक पर एरियाज़ पर जो है ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो बहुत ही परेशान हैं। तो सिंध पुलिस की तरफ से एक अच्छा कदम, ये जो है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को सीपीओ की तरफ से ये एक लेटर आया है 15 अक्टूबर को। इसके अंदर जो है इसलिए अलाउंसेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि नौजवान खुश हो जाए और नौजवान जो है अपनी दिल और मेहनत से जो है काम करें और अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दें, ताकि वो परेशान दोबारा ना हो। बहुत सारे नौजवान एसपीओ के अंदर जो है वो सीपैक एरिया पर जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो बहुत सारे परेशान हैं। तो दोस्तों, इसमें एक और अच्छी खबर ये है कि जो भाई स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर जो है नई भर्तियां जो होने वाली है, उसके अंदर जो भाई मेहनत कर रहे हैं, फिज़िकल जिन्होंने पास किया, उनकी जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट की आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इसके अंदर भी जो नई भर्तियाँ होने वाली है उनके भी अलाउंसेस जो है बढ़ाए जाएंगे और एसपी कमांडो का जो प्रोसेस है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसएसयू से पहले ही क्या पता, इंशाल्लाह आपका एसपी का कमांडो का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़रूरत है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर नौजवानों की। तो आपने अपने अच्छे से तैयारी करनी है रिटन टेस्ट की, अपने अच्छे से नंबर लाने हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका ऑर्डर आएगा। तो आपने एक अच्छी अपनी जो है मेहनत करनी है ताकि आप अपने रिटन टेस्ट के अंदर आराम से पास हो जाए। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही आपकी जो है आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जैसे ही ड्यूटीज़ जो है शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर आपके अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, उनको इम्प्रूव किया जाएगा और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, ताकि एसपी कमांडो के अंदर जो नौजवान हैं वो अच्छे से ड्यूटीज़ अंजाम दें और मेहनत करके और अपने दिल से ड्यूटीज़ करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीपैक एरियाज़ के बारे में। जो नौजवान सीपैक एरियाज़ पर जो है ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ड्यूटीज़ जो है करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लिए अलाउंसेस को जो है दोबारा बढ़ाया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है अलाउंसेस को। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे आसानी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।